वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्यदेव 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव को सभी ग्रहों का स्वामी माना जाता है। जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि सूर्य ग्रह अधिकार और शासन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत रहते हैं तो उस जातक के रिश्ते में मजबूती आती है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी करियर में मजबूती आती है। यदि जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाना है तो इस समय अपनी राशि के अनुसार जातक को उपाय करने होंगे। 14-15 मई को सूर्य जो है वह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार 14-15 जनवरी को सूर्य के मकर में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति होती है, उसी प्रकार सूर्य भगवान के यहाँ वृषभ राशि में प्रवेश करने के कारण इसको वृषभ संक्रांति भी कहते हैं। तो उस वृषभ संक्रांति के परिणाम स्वरूप अन्न मतलब अनाज, धातुएं और जो भवन सामग्री बिल्डिंग मटेरियल रहती है, इनके जो कीमत है, इनके जो भाव है, उन भाव में तेजी आएगी, ऐसा योग बन रहा है। इसके साथ ही साथ लगभग एक महीने तक जो है बच्चों में मौसमी बीमारियों का प्रभाव रहेगा, वायरल का प्रभाव रहेगा, और सूर्य के इस राशि परिवर्तन के कारण सभी राशियों पर किसी ना किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है असर होगा। तो यदि जीवन में आप सुख शांति समृद्धि उन्नति चाहते हैं तो राशि अनुसार एक महीने तक कुछ ना कुछ हमको उपाय करना चाहिए, जिससे सूर्य आपके अनुकूल बने रहें, क्योंकि सूर्य जो है वो अधिकार के कारक हैं, सूर्य सम्मान का कारक है, सूर्य मन का कारक है, सूर्य राजा का कारक है और सूर्य शासन का भी कारक है। सूर्य के कारण हमारे मन के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। सूर्य अच्छा होगा तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सूर्य अच्छा होगा तो हमारे अन्य लोगों के साथ जो रिश्ते हैं वह रिश्ते मजबूत होंगे, सूर्य आपका अच्छा होगा तो राजा प्रशासन शासन के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, सूर्य यदि आपका अच्छा होगा तो सरकारी नौकरी उत्तम धन लाभ और करियर में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो 12 राशियों के ऊपर संक्रांति का राशि परिवर्तन का प्रभाव, किसी के साथ शुभ प्रभाव होगा, किसी के साथ मध्यम प्रभाव होगा, किसी के साथ अशुभ प्रभाव होगा। तो हम यहाँ 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ उपाय आपको बतला देते हैं। यदि ये 12 राशि के जातक इन उपायों को करते हैं तो एक महीने तक सूर्य निश्चित ही आपके अनुकूल रहेगा। मेष राशि के जो जातक हैं, इनको ताम्र पात्र में कुमकुम मिलाकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए और सूर्य मंत्र का इनको जप करना चाहिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं, इन वृषभ राशि के जातकों को ताम्र पात्र से तांबे के लोटे या तांबे के गिलास से जल पीना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं, इन जातकों को प्रातः काल जल्दी उठकर के एक तांबे के पात्र में जल भर के अपने घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। पूरे 24 घंटे तक उस जल को भरे रहना देना चाहिए। 24 घंटे बाद दूसरे दिन सुबह उस बासे जल को किसी वृक्ष में विसर्जन करके किसी उसी नए पात्र को धोकर के उसमें नया जल भर के पुनः ईशान कोण में रखना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य उनके अनुकूल होंगे। कर्क राशि के जातकों को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो सिंह राशि के जो जातक हैं, इनको अनामिका मुनि में तांबे की अंगूठी को धारण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि के जो जातक हैं, इनको रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तुला राशि के जो जातक हैं, इनको भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, साथ ही साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए और ओम नमो भगवते आदित्याय इस मंत्र का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनको कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए, कुमकुम मिश्रित जल से ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। धनु राशि के जो जातक हैं, इनको स्नान करते समय उस स्नान के जल में एक चुटकी लाल चंदन डालकर के स्नान करना चाहिए, ऐसा करने से सूर्य भगवान ऊपर कृपा करेंगे। मकर राशि के जो जातक हैं, इनको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अपने पिता तुल्य जितने भी बड़े परिवार के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को नित्य प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनको रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए और मीन राशि के जो जातक हैं, इनको सूर्य नारायण भगवान का पूजन करने के साथ ही साथ सूर्य का जो पौराणिक मंत्र है उस पौराणिक मंत्र का जप करना चाहिए। ये तो 12 राशि के जातकों के लिए अलग अलग हमने उपाय बता दिए। इसके अतिरिक्त सभी जातकों को नियमित रूप से सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। एक ताम्र पात्र में लाल फूल और चंदन
और कुमकुम चावल इत्यादि डालकर के सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य को बिल्कुल प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार यदि सभी जातक सूर्य भगवान की इस प्रकार स्तुति करते हैं, पूजन भजन करते हैं, तो निश्चित ही उनके जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा उन्नति नौकरी इत्यादि के योग जो है निश्चित ही होते हैं।